जी राम राम द्वाड़े का राम राम, 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 राम तो आज यहाँ पे अपने लड्डू बाटी का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, तो क्यों करा जा रहा है? क्योंकि सब घर पे भी बन रहे लड्डू बाटी, तो यहाँ पे क्यों बना जा रहा है? यहाँ पर हम लोग सारा मिल करके, सारा भाई बंद बच्चे जितना भी हमारे हमारी गोद के है ना, सब मिल करके हम लोग छाट भरते हैं। हमारे जो परिवार की एकता है, मोहल्ले की एकता है, वो कायम रहती है। ये हमारे पूर्वजों का जो श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध वही, उसी के लिए हम लोग सामूहिक चूरवा मनाते हैं। काजू बदाम, काजू बदाम, काजू बदाम, अरे भाई छोटी छोटी चम्मच गडर पटक रही हो तू। अरे ला यार, दादा का रिले हुई बिल्ली का यार। अरे ये लोग कौन है भाई? हाँ भाई यू बोलो, लाओ यार कुछ, लाओ यार। क्या क्या लड़ा है? आटा वाटा, घी, आटा घी, ड्राई। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आटा इकट्ठा कर रहे हैं, अपने सामूहिक लड्डू बाटी बना रहे हैं ना आज। अच्छा, डब्बे तो खाली तुम्हारे, तोड़ तोड़ के। अरे आप से स्टार्ट किया अभी, चलो सही है। फिर कहाँ कहाँ चलना है, कहाँ कहाँ जाना है? पूरे मोहल्ले चलेंगे, यहाँ भी आओ, पूरे मोहल्ले में जाना है, घूमेंगे आज। चलो ठीक है, तो फिर क्या कोई प्रोग्राम है क्या? आज लड्डू बाटी बनाएंगे अपन, और उसके बाद में महादेव बाबा को तालाब के अंदर जाके वहाँ धूप लगाने वाले हैं। तो छठ बोल दे, वो छठ भरेंगे आज शाम को। हेलो, तो आज सभी का स्वागत है और एक नए व्लॉग में, और आज का जो व्लॉग है दिवाली स्पेशल है। तो हम सभी पूरे जो हमारा मोहल्ला है उसमें जाके और सामान सामूहिक करेंगे, सामान इकट्ठे करेंगे सामूहिक लाडू बाटी बनाने के लिए। लाडू बाटी बोलते हैं, लाडू बाटी, तो लड्डू बाटी बनाने के लिए इकट्ठे करने वाले। तो आज का जो व्लॉग है कुछ स्पेशल होने वाला है हमारे गांव की तरफ से, क्योंकि गांव का फर्स्ट व्लॉग है। पूरा देखें और एंजॉय करें कि हमारे गांव की क्या परंपरा है। वैसे सभी जगह पे कल मनाई गई थी दिवाली, हमारे आज है, बाकी हमारे हमारे आज का है थोड़ा, तो आप देखें मजे लें, एंजॉय करें दिवाली। सभी मिलते हैं जल्दी। तो आ गए हैं सुंदर सिंह जी के घर पे, मेरे बड़े पापा। ये वैसे भैया, ये बड़े भैया, बड़े भैया नमस्ते। तो भैया दिवाली के लिए सब कुछ सामान इकट्ठा करा जा रहा है आज, तो आपकी तरफ से क्या क्या सहयोग रहेगा इसके अंदर? गलत टाइम पे प्रॉपर व्लॉग जाएगा, व्लॉग जाएगा। हेलो हाय ब्रदर, हेलो ब्रदर, इसका भी लो, इसका लो, इसका भी लो। अरे कैंडी, हेलो, हैप्पी हैप्पी, कब हैप्पी दिवाली, हैप्पी बोल दो, हैप्पी। चलो भैया, चलो भैया आपकी तरफ से, चलो 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 भाई, चलो चलो अंदर चलो। बेटा हट जा यार, डर लग रहा हूँ। बड़ी मम्मी, यो कही, यो कही है, ऑटो है, ऑटो डालो। बड़ी मम्मी का ऑटो, दो दो मोटे ऑटो। चक्कर भी लिया, हां ये तो मेन मिल गया, चक्कर दिख रहा था, चक्कर की, हां ये सही रहा थे। लो घी भी, जो भी लेना, जितना भी जिको सामान लेना ले, और था नंबर आई जा दो। तो भाई यहां से आ गया शक्कर, घी, आटा, और की चावा, थापड़े वापड़े भी चाहिए, थापड़े भी ले। बड़ी मम्मी को पूछो, लो। तो भाई बड़ी मम्मी ने बोला पैसे कौन है हमारे, तो ये थापड़े वापड़े इधर से कैंसिल हो गया है। ड्राई फ्रूट भी लेके आओ, मैं इन हां बुरा। और राजू, राजू को देखो, ये राजकुमार ड्राई फ्रूट लाओ, ड्राई फ्रूट वो तो दे दो। पिंक की तरफ से काजू बादाम भी डाले जा रहे हैं, डालो। बाय बाय, तरफ से केले वितरित हो रहे हैं यहाँ पे। भाइयों केले खाओ, केले केले बट रहे इधर। पार्टी चल रही है, होने के दो एक एक तो गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त है, और ये पार्टी चल रही है। हाँ
हां था अपने 3-4 ले आओ बढ़िया जो भी है भाई के चरियो हां के के चरियो अपने ओए घी आटा थापड़िया थापड़िया कंडे कंडे चलो भाई आओ तेल घी वाले के आओ परवीन परवीन भाई के घर पे आए हैं परवीन भाई की तरफ से घी घी डाला जा रहा है ये बाबू भैया का लड़का आ गया है ये वो बाबू भैया का लड़का और बाबू भैया भी आ चुके हैं अरे बाबू भैया उधर से आ रहे हैं बहुत सारे घी डाला गया है यहाँ से परवीन की तरफ से थापड़ी के कंडे थापड़ी बोलते हैं हमारे गांव में इसको आप लोगों की वहाँ पे सब जगह क्या क्या बोला जाता है इसको मेंशन कर कमेंट के अंदर थापड़ी थापड़ी क्योंकि इसको के पंजे से थापा जाता है तो थापड़ी गाय का लिंडा मत जो लिंडा की थापड़ी तो ये नेक्स्ट घर है भाई किसका घर है बागवल दाजी के घर पे है ये भाई पूरी टीम है आज के जो सामान इकट्ठा करने वाली उनकी भाई आटा आ गया यहाँ से शक्कर भी लिया भाई बबलू भाई शक्कर बबलू भाई आ गए बबलू भाई की तरफ से चक्कर वगैरह आएगी नेक्स्ट घर आ गया सुरेश भैया का आटा दे ओ अंकल जी काजू बादाम अंकल जी थापड़े वाला भाई साहब थापड़े इधर लेके घूम रहा भाई सुरेश भैया आए सुरेश भैया सुई मत लगाना बस ये सुई लगाते हैं सुरेश भैया सुई लगा लगा के डराते हैं बिल्कुल किसमिस पटक दिया सुरेश भैया सुरेश भैया किसमिस पटक दिया फोटो जोर बड़ा यो कौन को करे अंकित भैया चलो 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 भाई मैं चलो चलो ले लियो जी जी ले लियो से उठा लो यहाँ से भाई चलो नेक्स्ट घर की तरफ प्रस्थान करो इधर हमारे सबसे व्रत दादी जी बच रहे हैं सबसे व्रत अभिषेक तेल लगा मुबली को भाई अंकित भाई के घर पे आ गया इधर अंकित भाई क्या जोगिंदर भाई तो भाई साहब नेक्स्ट कर रहे हैं फौजबुल अंकल जी के यहाँ पे हैं हैप्पी दिवाली अंकल जी और अंकल जी क्या कर रहे बस ये अंकल जी रिटायरमेंट के बाद भी पढ़ाई कर रहे हैं इधर हमारे साथ एक और कैंडिडेट को जोड़ा जा रहा है हमारे साथ में यहाँ से चलो भाई साथ आ जा ग्रुप में डाल दे ग्रुप में डाल लिया बेटा नहीं होगी चल अब आ जा फटाफट तैयार हो अवतार दाजी राम अवतार दाजी के घर पे आ गए अब ये बड़े भैया भी यहीं पर मिल गए हैं जी आयो भाई थापड़े आपड़े लिए ओके के सामान पड़े हैं अच्छा ओके के सामान पड़े बच्चों ने सूतली बम घर में फोड़ दिया धर्मेश और धर्मेश नंगा पुंगा जा रहा है अभी बता वीडियो धर्मेश भाई अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ घर पे आ चुके हैं जिनके घर के बाहर में दो ट्रैक्टर खड़े हुए हैं जिनके जो लक्ष्मी पूजन के लिए तैयार हो रहे हैं अभी तो
और है मास्टर, मास्टर साहब का घर है, मैच चल रहा था, मैच मास्टर साहब क्या देख रहे हैं, मैच मैच चल रहा है, मैच देख रहा हूं, ये नौरत भैया का घर, ये अर्जुन भैया का घर, भाई थपड़ी लेके आया, थपड़ी उपड़ी लेके आया, क्या नाम है, अंशु नाम है, कौन सी क्लास में, छठी, कहाँ पे पढ़ता है, अच्छा नवोदय कोटा, बिलोड़ा, बिलोड़ा अपना हिसाब डाल लो, मोपली मोपली भाई, इतने सारे तो हो गए, बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं, बहुत सारे हो गए, अभी हम इनको मिक्सर में भी पीसेंगे, भाई देख लो सबसे महंगी चीज, हां भाई घी इसमें जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ, दो बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं, एक ये और एक ये बाउंसर, बाउंसर से मिठाई मिली है, अरे मिठाई का डिब्बा तो बता, अरे भाई क्या मिला, ये हमारी मिठाई, ये लो भाई केसर बाटी मिली यहाँ से, भाभी की तरफ से केसर बाटी मिली यहाँ पे, देखो रसगुल्ले के डिब्बे में केसर बाटी, रस वाली, हाँ रसगुल्ले के डिब्बे में केसर बाटी, लो भाई आ जाओ खड़ा हो, एक मिनट रुको भाई, ध्यान डालियो नीचे दबा मत दीजिए, दो खिलाड़ी थापड़े वाले और तेल वाले उनके घर, ये इन दोनों का घर है भाई, इन दोनों का, इनके घर से पूरा वसूलेंगे, पूरे डब्बे भर के लेके जाऊंगा मैं, भाई भाई थापड़ी का कट्टा लेके घूम रहा है, ये भी ब्लॉगर बना रहे हैं, ब्लॉगर बना रहे हैं, पहले मोबाइल से लिए बोल दिया था, घी नहीं देना चाह रहे हैं भाई, एक पहलवान खुद ही चला गया, आटा वाटा ला रहा है, जो लाना है इसको, अरे मिक्सी मत करा दो भाई, ये सब जगह से बोल रहे हैं सरसों का तेल ही लेना है, यहाँ से सरसों का तेल दे रहा है, ये साथ में घूम रहा पर ये कंजूस है भाई, धोखेबाजी कर दी इसने, बकरी का घी डाल रहा है, ये पूरा बकरी का, हमारा मक्की जूस है, अरे अरे फोनिया लो, तू काजू बदाम खेलो ला भाई, काजू बदाम, काजू बदाम है ना, काजू बदाम, एक बार अरे छोटी छोटी चम्मच गडर पटक रही हो तू, अरे लाया कर ले, वो बिल्ली का यार, वो भाई चलो चलो नेक्स्ट कर नेक्स्ट कर नेक्स्ट कर, अरे चलो चलो, अरे बदाम वाले भैया बुरा मान गए, अरे भाई काजू बादाम है आ जाए उसका, अरे मिस मत कर भाई, इकट्ठे कर, इधर आ इधर आ, अल्लाह लिया ना, मैं तो काजू बादाम है भाई, भाई रोज क्यों मांगो भाई, रोज क्यों काजू बादाम ना ले अब, और माय गाय को ब्लॉग बनाओ, लाओ रे लाओ, सोनी भाई के घर आ गया मैं, ले आओ ले आओ ले आओ, बादाम शक्कर, सोनी भाई के, सोनी भाई के घर पे आ गए, और यहां से काजू बादाम वगैरह इकट्ठे करे जाएंगे, ज्यादा पूरे डब्बे भर के लेके जाएंगे, आज अभी फिर भाई अपनी मिठाई भी लेके आ जाओ, राजू के ऊपर ब्लेम भाई, ये मास्टर बन गया पर इसने मिठाई निकले, जी जी मिठाई नहीं कोई, जी कल तो बुलेट खिड़वाड़ लाए हो, जी की मिठाई नहीं कोई आज तो, भाई जीजी ने ब्लेम किया कि ये इसके जॉब लगा तब की, और इसके बाइक लाए उसकी मिठाई नहीं खिलाई, दिन के अंदर इसके बाइक का फार्म हाउस है उसका पूरा ब्लॉग आने वाले हैं, ब्लॉग आने वाला है, करके बोलो अगर आपको इसका ऐसे मजाक कर रहे, अगर इसका फार्म हाउस अगर देखना है तो भाई कमेंट कर देना, दो कमेंट चाहिए नीचे, दो कमेंट चाहिए, दो कमेंट, सिर्फ एक कमेंट चाहिए, एक कमेंट चाहिए बस, इसको ज्यादा लाइक होंगे वो कर लेंगे, हाँ भाई 10 लाइक चाहिए, 10 लाइक और दो कमेंट,
उसके अंदर फर्म हाउस पांच ही कर दो आप तो बस कर दो। भाई के पास आईफोन की रेट की छाड़ी है। आईफोन की रेट की छाड़ी कितनी भाई? छाड़ी कितनी? 55,000। अरे नहीं नहीं भाई भाई भाई, भाई बिल्कुल डिस्क्लोज अभी नहीं कर रहे, ये चीजें भी नहीं बतानी भाई इसके ब्लॉग के टाइम। अभी रेट लगाई आगे बस ऐसे क्रॉस क्रॉस आयो भाई। भाई जीजी की तरफ वो काजू बादाम आ गया। हां भाई जीजी मिठाई दे दी सबने। देखो गाइस जीजी की तरफ से बटाई देख लो। राज मार साहब ने निकला छोटू डन आ गया वो साथ। ये भी बना काजू बादाम पूरे के पूरे मार साहब ने निकला है। लेकिन भाई मिठाई खिला रही है हमारे और मिठाई क्लासिक यार। हां हां तू खा जा ना। ये रहा अरे सामने तो थापड़े हटे केला भी मिल गई। थापड़े केला भी मिल गई। जूम करो भाई। गाय गाय भड़काते हैं आज तो इसको सजा रखा अच्छा खासा। दिवाली के दिन गांव में गाय भड़काने का हमारे रिवाज है गांव में। भाई परमेश्वर भाई के घर पे आ गए चकोर गी आटो शक्कर आटो आटो शक्कर और काजू बादाम थापड़िया बबलू भाई की तरफ से थापड़े आ गए। बबलू भाई की तरफ से थापड़े आ गए। बबलू भैया दो शब्द आपकी तरफ दो शब्द आपकी तरफ से क्या बोल रहे हैं? बोतल ले रहा हूँ उड़ा। बोतल ले रहा भाई ये तो इधर खतरनाक डिमांड हो गई इधर दारू की। भाई शक्कर ओवरफ्लो हो गई हमारी। ओवरफ्लो हो गई शक्कर इसको थोड़ा बाहर निकाला जा रहा है दूसरे तेल। आप नुकसान करने वाले थे अभी नहीं अब चीटियों से चीटियां खाएगी। ये लो भाई पूरा डब्बा खाली लगता है किलो भर उसके ज्यादा उसके किलो डेढ़ दो किलो कौन को कह रहे हैं हमारे भाई साहब मेन भाई इनका घर इनका घर ऑटो वाला का घर है। वो सामान तो फटाफट आ गया जिसके हाथ में जो थैली वो उस घर से ज्यादा लेगा। छोटा वाला ये व्हाइट शर्ट टी-शर्ट कॉम्पिटिशन पैदा कर रहा है कॉम्पिटिटर है मतलब इसलिए ये नहीं आया आज के ब्लॉग में। लोड मध्य फाड़ दली दो दो ब्लॉगर हो जाता है कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। बिल्कुल कंट्रोवर्सी हो सकती है बिल्कुल ही बोल रहा हूं। फिर वही गांव का नाम खराब होता है बिल्कुल आगे भी आगे चलो नेक्स्ट कर देख लो तुम। एक सूबेदार मेजर सहदेव सिंह सिग्नल उसके अंदर थे ये सिग्नल डिपार्टमेंट के अंदर जॉब थे मतलब आर्मी वो है रिटायर्ड आर्मी से सिग्नल होता है। अरे ले आओ आटो काजू बादाम और दिवाली का राम राम। अरे दीपक हटिया बाइक देख धीरज भाई ये मार्ट साहब है। मार्ट साहब की तरफ से थापड़ी का योगदान दिया जा रहा है। ले भाई थापड़ी मेल के लिए भी वही उगाई करी जाएगी। और ये जो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ये राजकुमार ये मार्ट साहब ये 5,000 ठीक है मारा भाई डिस्कशन चल रहा है भाई जो चलो चलो नेक्स्ट कर नेक्स्ट कर भाई नेक्स्ट कर पप्पू भैया और यू मांग डुगो एक ब्लॉग आना पसंद कर दो लोग आओ। चलो चलो आ जाओ गंदी नहीं नहीं पकड़ तू डोली नहीं पकड़। इसको गांधी गांधी कहते थे अब गांधी हो गया। गाइस मेरा नाम है गांधी 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 अच्छा गांधी अच्छा भाई का नाम गांधी है हमारे। दो टिटी मिली एक तो शक्कर और एक घी की। अच्छा भाई दो टिटी मिली भाई को। चलो ऐसे गेहूं में कीड़े लग जाते हैं तो सुखा के रखते हैं। अच्छा गेहूं में कीड़े पड़ते हैं सुखा के रखते हैं सब जगह क्या क्या ड्यूटी है मेरी शक्कर और जो घी में डोल जी भैया हां बस गिराना नहीं है कुछ भी हो जाए गिराना नहीं है बस यूं छोटे वालों ने वो मिल जाते एक्सपर्ट है
एक्सपर्ट गई मिल चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट घी का डब्बा खाए, तेरे को घी का डब्बा दिया था एक, वो उन भैया के पास है, तो दे दिया आगे। चलो भाई गाइस, अब मैं अगले घर से लूंगा शक्कर, अगले घर से लूंगा शक्कर करी खट्टी। गाइस आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तेरा बड़े मेहंदी मांगे, तेरा नाम क्या है? दीक्षा बोले तेरा बड़े ठूस ठूस भर रही हो भाई। नेक्स्ट कर इस भाई का घर। अब तो नीतीश भाई के घर से इधर का योगदान क्या भाई, क्या क्या लेके आए नीतीश भाई? नीतीश भाई योगदान रहने वाला है, बहुत बड़ा कंटेनर भर के डाल रहे हैं ये नीतीश भाई की तरफ से घी। नीतीश भी आपकी तरफ से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट कितना लाया ये लो? और इस पहली बार कुछ नया आया है, ब्लैक ब्लैक क्या है इसमें, आप दिखा सकते हैं? काले काले ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, लगता है अंगूर एक्सपायर लिया, लगता है एक्सपायर लिया। अफगान का कुछ है क्या? अफगानी स्पेशल लेके आया कुछ, लगता है अंगूर को घर पे सुखाए हैं। तो आत्मा भैया की तरफ से क्या खाली कटोरी हाथ में? चलो भाई चलो अंदर चलो। बैठे से लड्डू बाटी पहली बढ़ दिया था। अपना ही सब उठा लो जो चाहिए। भाभी भाभी तो लड्डू बाटी बना रही है ठीक है। और भैया लिया है ड्राई फ्रूट नहीं मिली? ब्लॉग ब्लॉग अपलोड कर रहा। अच्छा कोई सामान ब्लॉग दे नहीं 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 हल्की से डालो, थोड़ी से डालो, पीसी के बिना पीस है ना वैसे भी। ये भैया ने खांड एक मिरर इतनी होगी गाइस, खांड है तो। ये हमारा पुराना घर, संतोष चाचू का घर। चचा संतोष चचा, हेलो संतोष चाचू के घर पे आ गए। संतोष चाचू की तरफ से क्या डाला जाएगा बताइए भाई। अरे संतोष चाचू ने पोत दिया, घर पोत दिया। जी जी दौड़े का राम राम, दौड़े का राम राम जी। जी 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 घी जी जी आटो आटो तेल जी जी लेर बेटी बेली जी जी लेर बेटी बेली काजू बादाम भैया किन बोला है? काजू बादाम ने बोल रहा है राजवीर चाचा अधूरे लगता है। इन्होंने बेचा है ये बताएंगे कितने रुपए किलो के हिसाब से? बहुत माने थे इसमें ये बेच क्या गया था? सूखे अंगूर गाइस, सूखे अंगूर कोयले गाइस, सूखे अंगूर है। नितेश वाले घर से आए हैं, ब्लैक किशमिश सा है ये गणा मंगा भाई गाइस। ये तान तेल भी डाल दे हमें बना बना। शक्कर कितनी मिली? शक्कर इतनी मिली है गाइस और मिल चुकी है। जी जी वो चलो गया गया भाई किलो गाइस, भरने वाला है गुरु गोरखनाथ जी जो है, हेमनाथ जी का मंदिर है वो यहाँ से मेन प्रवेश द्वार ये है, यहाँ से एंटर करते ही उनकी समाधि स्थल है। अच्छा समाधि स्थल अंदर की साइड है और ये काफी पुराना है। अच्छा और इसको ये आप यहाँ से गेट को प्रवेश द्वार से अंदर जाके एक बार जाके देख के आ सकते हैं, ढोक लगा के आ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। नेक्स्ट ईयर जो भैया हमारे भैया भैया है यहाँ पे आया, ये वेद प्रकाश और भैया के नाम से जानते हैं इनको दुनिया में। भाया, ये हमारी माटने का की है
और ये इनका चुलबुल जी, तो आओ मथुरा जी भाई हुए भाई। हां जी जी, ये काम कर रहे हो लोग। इस जगह पे बनेंगे लड्डू बट्टी, इन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी में रखनु बेड़ी। अरे हमारे भैया लड्डू बट्टी बना रहे इधर। यो गिरे लो वो खटीना ऑटो। ले ओए हट जा हट जा, ये मांगी ले गिर कतरो मोड़ मोड़ भी है सॉरी। ये लो भाई सब शुरुआत हो गई टीना। इधर दादाजी हुक्का फूंक रहे हैं। आप दूचा कर ले थोड़ो थोड़ो पानी या दूध हो तो दूध को सर्व कर ले। दिवाली का राम 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 डॉक्टर साहब राम राम। तो भैया इधर स्टार्ट हो गया जो प्रोग्राम का माहौल स्टार्ट हो गया। हो गया, ये हम हमारी पूर्वजी की धूप के लिए बिल्कुल कंडे बिल्कुल तैयार कर रहे हैं अभी। जी राम राम, दिवाली का राम राम, राम 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 राम। तो आज यहाँ पे अपने लड्डू बाटी का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, तो क्यों करा जा रहा है? क्योंकि सब घर पे भी बन रहे लड्डू बाटी, तो यहाँ पे क्यों बना जा रहा है? यहाँ पर हम लोग सारा मिल करके सारा भाई बंद बच्चे जितना भी हमारी हमारी गोत के है ना, सब मिल करके हम लोग छांट भरते हैं। छांट भरते तो बड़ा बुजुर्गों के लिए, मतलब उनको लियो छांट के धूप लगाते हैं। धूप धूप लगा करके फिर वहाँ जोत कर देते हैं। जोत कर कर सारा मतलब वहाँ पर पानी जड़ चढ़ाते हैं। जड़ चढ़ाने के बाद फिर जोत को उसको ऊपर रख देते हैं और फिर अपना अपना बाहर निकल कर के फिर ये जो जो बना रहे हैं ना चूरू में, इसको सब सबको एक एक सबको बांटते हैं। अच्छा, सारा को सारा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो सबको एक एक लड्डू बांटते हैं। फिर अपना खा पी करके फिर घर जा करके अपना मतलब लक्ष्मी पूजो, फिर अपना मतलब दीपक जगाओ घर, मतलब ये आग लपड़ा जो बुजुर्ग आदमी के लिए श्राद्ध निकालते हैं। बाकी जाते हैं श्राद्ध निकालती, हम लोग श्राद्ध नहीं निकालते हैं। अच्छा, हम लोग ये छांट भरते हैं। एक वंश वहाँ को जो जटो शुरू से एक वंश चाल तो आ रही हो ना, वो एक ही वंश मतलब वहाँ के ये धूप लगाएंगे जितना भी है जरा। तो अटरे यो अटक सेन प्रोग्राम कर रहे हैं लड्डू बाटी, सार्वजनिक जगह, सार्वजनिक जगह, सार्वजनिक जगह। तो यो ये प्रथा तो अभी पिछले सालों स्टार्ट करी वापस, पिछले सालों तो फिर मान लो जिन के सिद्धू भी गया जी हो गया, लक्ष्मण हो गया, यो यादराम हो गयो। तो ये के यार का अपना पिछली जो रीति रिवाज उन्हें भूल जावा पाचो शुरू करा। अच्छा, तो ये पिछले साल में फिर ये पाचो शुरू कर दिया। तो सारा मतलब अपना अपना चून आटो जो लिया है, घी लिया है, शक्कर लिया है, सब अटल ला करके इकट्ठो करके मिला करके बना करके सारे की धूप लग जाएगी उसमें। अच्छा, ये सिस्टम चलो सही है। तो मतलब क्योंकि यह प्रथा केवल आपने हटी है वापस शुरू करी है, पूरा गांव में गरबा लग गया? पूरा गांव में है या वो दूसरी साइड में गांव में चल रही है प्रथा? पूरा गांव में मतलब इस जो महिला है ना वो माता जी के स्थान पर जाकर बना सी, और परली साइड वाला जो भक्ता को जो महिला है वो महादेव बाबा का आकर बना सी। अच्छा, सबका जो धूप तैयार हो जाओगी ना सब एक साथ तलाव का महीना एक साथ बढ़ेंगे। अच्छा, पहले कोई नहीं बढ़ेगा, आज के दिन कोई लुगाई आदमी कोई बच्चों भी तलाब में हाथ भी नहीं डुबोगा, पानी के टच न कर सका कोई, टच नहीं कर सकता। जो टच करेगा उसके जुर्माना होगा। अरे क्या न कर सका टच, इको के कारण, इको कारण ये शुद्ध आज के लिए मतलब शुद्ध कोई नानो धोनो सब बंद है। 24 घंटे के लिए इसको शुद्ध रखा जाता है पानी को। अच्छा, मतलब 24 घंटे तक कोई टच नहीं करता इसको, कोई टच नहीं करेगा। जो मतलब शंकर भगवान की मेहरबानी से है कि मतलब पानी शुद्ध हो गया जाना, गंदो है तो भी मतलब कोई टच नहीं करना चाहिए, अपने आत्मा में शुद्ध है। अच्छा, यहाँ करके चलो ठीक है। और ये क्या है आपके जो ये हुक्का है? पुराना बुजुर्ग का आदमी पी बोकरा ये अट्टा कम चल रहा है, हरियाणा में ज्यादा चल रहा है, हर दीपावली पे बाहर निकाला जाता। अच्छा, तो ये इधर बैठ गया आगे हाथ तो भर ले जिसका मतलब जीव में आओ जो पीस के। सही है सही है। तो ये प्रत्येक कौन स्टार्ट करी वापस? दो साल पहले तो यही करी है सन नारायण और अर्जुन और याद राम, यही करी। चलो ठीक है, तो पिटाई साहब के पास चलते अपन। सत्यनारायण जी नाम है इनका, पिटाई जी है। तो आपने क्या सोचा वापस स्टार्ट करने के लिए इसको प्रथा को? यही है कि इससे हमारे जो परिवार की एकता है, मोहल्ले की एकता है, वो कायम रहती है। अच्छा, तो ये तो बहुत टाइम से बंद हो गई थी प्रथा? तो वैसे नहीं, ज्यादा समय तो नहीं हुआ, कुछ समय से हुई थी, बीच में एक दो साल ऐसे गैप हो गया था कोरोना की वजह से कोविड की वजह से बंद हुआ था। कोविड की वजह से फिर सभी जो ये युवा बंधु है इन्होंने मिलकर फैसला लिया कि क्यों ना अपन जैसे एक परिवार होता है, बिल्कुल परिवार की तरह ये अपना सामूहिक भोज है, तो इसको हम मिलकर करें। तो क्या क्या बनाया जाता है अभी यहाँ पे आज? ये इसमें केवल
लड्डू बनाते हैं हम। अच्छा, क्यों लड्डू बना रहे हो आप? लड्डू जिसमें मेवे होते हैं, घी होता है और शक्कर मिला के, शुद्ध देसी घी, वो भी हम गाय का या भैंस का घी ही यूज करते हैं। अच्छा, इसमें वो डिब्बे वाला घी नहीं, डिब्बे वाला घी यूज नहीं करते। नहीं तो नेक्स्ट चलते हैं अपन यादराम भैया के पास। यादराम भैया जी आप बताइए। बिल्कुल, ये हमारे पूर्वजों का जो श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध वही, उसी के लिए हम लोग सामूहिक चूरवा मनाते हैं। पूरे पूरे मोहल्ले का इकट्ठा करके, यहाँ पर पूरे मोहल्ले के सामान इकट्ठे करके, सारे सामूहिक रूप से एक परिवार की तरह है। बिल्कुल, दूसरे मोहल्ले के आके खा सकते हैं केवल अपन लोग? नहीं, कोई भी, सभी के लिए प्रसाद के रूप में, प्रसाद के रूप में। लड्डू की साइज इतनी बड़ी कैसे आती है? ये तो डगे में बड़े बनते हैं, बड़े बनते हैं, बड़े बनते हैं। ये तो अभी आटा है, क्या बोला जाता है? ये लड्डू नहीं है, तो ये इसको डगा बोलते हैं। अपने गांव के पास हम डगा बोलते हैं, डगा बोलते हैं, डगा बोलते हैं। अच्छा, दगाबाज है क्या? नहीं, अच्छा दगा बोला जाता है इसको। अभी इसको सेकेंगे। एक इससे कितने लड्डू बन जाएंगे? कितने लड्डू बन जाएंगे? ये एक किलो के अंदर चार लड्डू बनते हैं, डगा बनते हैं, चार डगा बन जाते हैं एक किलो। एक डगे से दो लड्डू, तीन लड्डू, चार लड्डू, चार लड्डू बन जाते। चलो भाई देखते हैं फिर, लड्डू बना रहे भैया वगैरह सब मिलके। भाई सभी लड्डू वड्डू इधर सीख रहे हैं, लड्डू के डगे सीख रहे हैं। सीखने के बाद अंकल जी सीख रहे हैं, चढ़ाया जाएगा, साफ किया जाएगा और विश चूरमा बना जाएगा। तो क्या है हम भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप चूरी बना रेट दे दो। मैंने भी लो यार, क्या मतलब? मैं चाइना जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अरे हमारे ये प्रोसेस रहता है चूर में। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो गर्म हो जाए फिर डालते हैं, फिर शाम का टाइम हो गया और फिर से सब लोग तैयार हो आके मंदिर के लिए जा रहे हैं, मंदिर के तालाब के लिए। और ये बड़े पापा, ये कैंडी, अरे बड़ा का बड़ा का, अरे बड़े भैया, ये चाचू, ये भैया, ये पापा, अरे वो सुई वाले भैया, सारे गांव वाले पूरे तालाब में जा रहे हैं, वहां पे करेंगे सारा प्रोग्राम, वहीं पे पूजा वूजा।
देख ही लेता है पिछन छोड़े अपने
ठीक है भाई, बाय बाय, आगे बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो।